between the buyer and seller so that they can have a future marketing strategy and bring out a valuable solution for this buyer and seller. With this, once again, I welcome one and all. Thank you very much. और इसीलिए जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, क्योंकि जब तक जो प्रोड्यूस है वो खरीदने लायक नहीं होगा तो किसी का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ना खरीदने के लिए। तो इसीलिए ये इंटरेक्शन एक बार ना करते हुए, जैसे म्यूली साहब ने कहा, आप यहाँ आके थोड़े दिन बैठिए देखिए, वो करना बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली फार्मर्स के साथ टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करें और उन्हें बताएं कि मार्केट की क्या डिमांड है। वो बहुत ज़रूरी है टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड अर्न इनकम फॉर आवर फैमिली। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए आज हमने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है और मैं चाहूँगी कि ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स में कन्वर्ट हो रादर देन ऑयल पाम। इंडिया का जो ऑयल पाम आप लोग सब सुनते हैं, ऑयल पाम 200 हेक्टर, किसी ने बोला हमको पागल हो गया कि आप नेता लगाया। मैंने डिप्टी कमिश्नर से एक्सपेंसिव रखा, रवि दामा जी ने बोला मेरे साहब आप 10-20 हेक्टर का ऊपर मत जाइए बोला। मैंने बोला 10 हेक्टर करो, वही मैनेजर रखना है, धर्म हुई है, दूर भी हुई है, रोहित से दूर भी हुई है, तीसरा साइड 200 हेक्टर लगाया करके लगाया था, लेकिन आई एम स्टिल सफरिंग, फाइनेंशियल कंसर्न इज देयर, वो बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत कुछ सोचने पड़ेगा पाम ऑयल का ऊपर। मैं वो पाम ऑयल मैंने लगाया है और रामबुतान बोल के हम लोग इदू में इतिसी होता है और आदि में तातार बोलता है। मेरा तो सक्सेस हो गया है, मैंने मद्रास से लेके पुली लाया था, 8 ईयर्स के बाद फ्रूटिंग आया, 100 पुली में 42 पुली में फ्रूटिंग शुरू हो गया, बाकी सब मर गया, लेकिन मैं दिया साल फिर अच्छा पुली लेके लगाया है रामबुतान। उसको देखते मैंने देख के खुशी हो के मैंने इवन चीफ सेक्रेटरी को भेजा, चीफ मिनिस्टर को भेजा, डिप्टी सीएम को भेजा, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को भेजा, तो उसको इंटरेस्ट हो के हमारा ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से वीडियो क्लिपिंग भी किया, वीडियो ये शूटिंग भी किया वहाँ में, अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में बोला ट्रेडिशनल ड्रेस में पूरा प्लाकिंग करते समय तोड़ते समय दिखाना है बोला, तो हम फुलू फुलू वीडियो बना भी होगा। और रामबुतान मोस्ट सक्सेसफुल फ्रूट यहाँ हम जो देख रहा है, लेकिन पैकिंग क्वालिटी नहीं है, 2-3 दिन के बाद में सड़ जाता है, वो फ्लेक्सिबल है हम जो देखा है, लेकिन दाम काफ़ी है, पर केजी 500 ट्री हमें भी होता है। ऑरेंज एक सस्टेनेबल हम देखेंगे पड़ रहा है, मैक्सिमम 4-5 साल अच्छा जीत अच्छा फल देता है, उस समय पॉकेट गर्म रहता है, अभी 5 से 6 साल का बाद में फिर बहुत सफर होने पड़ता है। और अभी जैसे मैं अभी 6000 एरेकेना तामुल पुली लगाया, अभी हमारे यहाँ में आदमी लोग और तामुल का पीछे जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग 20,000-30,000 तामुल लगाया है। ये तामुल को ऑनरेबल एमएलए साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तामुल में इंटरेस्ट दरी सा कि तामुल में मेंटेनेंस बहुत ही नील है, नहीं का बराबर है और रिटर्न अच्छा है, फल दे रहा है, काट रहा है, बेच रहा है, बस कुछ नहीं है उसमें, कुछ मेंटेनेंस भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का जो मेन स्ट्रेंथ है एग्री हॉर्टी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो प्रोड्यूस है इतना एग्जॉटिक है, इतना बढ़िया है, मतलब ये बाहर मिलता नहीं कहीं, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मीन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक नहीं है, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते। और यहाँ का जो जमीन में जो उर्वरता है उसके लिए उसका मिठास ही अलग है। मैं आज के विशेष प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे बायर्स जो आसाम से आए हुए हैं। देखिए हमारे जो अरुणाचल का और ख़ास तौर पे ईस्टर्न बेल्ट में बाय ओरिजिन वी आर ऑल फार्मर्स, हर कोई किसान के जो अपने जीविका है किसान से ही अपनी कमाई करता है, उसी से अपने परिवार चलाता है। यहाँ हरियाली हरियाली है, एग्री फील्ड्स है, यातायात खुल चुका है, हर चीज़ का सुविधा है, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट फैसिलिटीज है। हमारा कमी था कि एक ग्रुप जो सेलर्स ग्रुप जो आके एक ढांचा बनाए, एक स्ट्रक्चर बनाए जाएं, हमारे अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारे जो उत्पाद है
जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका दाम कीमत कितना मिलेंगे हम। शुरुआत में मैंने देखा है कि बहुत सारे जितने हॉर्टी प्रोडक्ट्स भी है वगैरह है, दाम तो बहुत अच्छा मिल रहा था, धीरे धीरे दाम गिरने लगा ना। ये पचौली की वजह से है या किसी की वजह से वो मुझे पता नहीं, शायद ये डिमांड एंड सप्लाई का इश्यूज भी है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे हॉर्टी प्रोडक्ट्स में जो शुरुआत किया था वो धीरे धीरे आदमी भटकने लगा है कि दाम ठीक से नहीं मिल। मैं आपको एक उदाहरण देने चाहता हूँ, 4 साल पहले हमारे जो हुलमी बेल्ट है वहाँ फास्ट हमारे कार्डमम का कल्टीवेशन होता था, उस पर मैंने NEC का स्कीम भी वहाँ पे उपलब्ध कर दिया था, आपके डिपार्टमेंट के ही जरिए किया था। एक इंस्टॉलमेंट शुरू हुआ, बाद में बाकी मुझे पता नहीं क्या हुआ। कार्डमम ह्यूज कल्टीवेशन ग्रोवर्स और जो वहाँ गांव के लोग हैं वो पूरी बहुत खुश था कि कार्डमम का रीज इतना बढ़िया है, 1200-1500 किलो। अचानक अभी देखता हूँ कि 400 हो गया, 400 पर किलो हो गया, तो अभी बहुत सारे लोग कार्डमम भी छोड़ रहा है। दिस डिस्करेजेस दी हमारे जो किसान के हैं कि सही दाम ना मिलने में। अभी सरकार, केंद्र सरकार सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, पाम ऑयल कल्टीवेशन के ऊपर हो या किसी बहुत सारे जितने भी आपके हॉर्टी प्रोडक्ट्स में है, एरेकोनट में है, रबर प्लांटेशन में है। मैं इस बजट सेशन में जो सरकार करने जा रहा है, जो बी के लिए जो प्रिपरेशन चल रहा है, वैसे तो सरकार इज़ वेरी कीन इन इम्प्रूविंग दी एग्री सेक्टर। आपने देखा है मैकेनाइजेशन प्रोग्राम से जितने भी बाकी प्रोग्राम है, द होल एम्फेसिस इज ऑलवेज ऑन एग्री एंड एग्री बेस्ड एलाइड सेक्टर्स पे ही ध्यान केंद्रित है। मैं जहाँ जहाँ फार्मर्स को अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे थोड़ी सी भी आप आके ज्ञान दे दीजिए कि बजट सेशन में मैं सरकार को भी और अपने तरफ से भी कुछ सलाह दे सकूँ असेंबली सेशन पर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ जो जानकारी होता है, जानकारी केवल कम्युनिकेशन से ही शुरू हो जाता है। एक कम्युनिकेट कीजिए यहाँ से, आप हमें कम्युनिकेट कीजिए, मैं हमारे जो बजट सेशन होगा उस पर कम्युनिकेट करूँगा कि ये उपलब्धि ये ज़रूरी है, हमें इस गति से आगे बढ़ना है, ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, यहाँ पे उद्घाटन भी किया था एक हमारे पिगरी, हाईटेक पिगरी उद्घाटन किया था, बहुत ही नए तरीका के वो एक हम लोगों ने देखने में मिला। शायद एग्री सेक्टर्स में और भी हमें मिलने के लिए हमें आवश्यकता है इस क्षेत्र पर।